नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। विकसित भारत संकल्प यात्रा शानदार सफलता के साथ जारी है। देश भर में चल रही इस यात्रा में लोग उत्साहपूर्वक रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो सबसे पहले इस यात्रा की खबर उत्तर भारत से। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के फतेहपुर जिले में मलवा विकास खंड के कंसपुर गुगौली ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ जारी है। इसी कड़ी में मलवा विकास खंड के कंसपुर गुगौली ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देते हुए उपस्थित ग्रामीणों को देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। इस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह दिखाई पड़ रहा है, एक खुशी का माहौल पूरे गाँव में, क्योंकि मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, इसलिए जनता को विश्वास है कि हमें जो हम वंचित रह गए हैं हमें लाभ मिलेगा। 4-5 दिन पहले मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2.25 करोड़ के लगभग लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जो लाभ से छूटे हुए थे हर क्षेत्र में, आयुष्मान कार्ड में, उज्ज्वला में, किसान सम्मान निधि में, आवास में, हर क्षेत्र में उनका पंजीकरण हुआ है और ये मोदी की गारंटी तो गारंटी है। राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस अवसर पर कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, आयुष्मान कार्ड आदि का लाभ मिल रहा है। सत्ता में आने के बाद हमारा मिशन व्यापार नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करना है। सभी को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय इत्यादि सभी को मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, सब कुछ बन रहा है। देखिए, मुझे गरीबों की सेवा करना है। हम सत्ता में आते हैं तो हमारा मिशन व्यापार नहीं है, हमारा मिशन है गरीबों की सेवा करना। जब जब सरकार बनाते हैं, गरीबों के घर तक पानी पहुंचाना है, गरीबों के टेल तक पानी पहुंचाना है, गरीबों को खुशहाल रखना, उनको पक्का मकान देना है, शौचालय देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, गैस का कनेक्शन, ये भी अभी पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए सभी काम यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी की गारंटी है और गारंटी में सभी का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी पेश की। मोदी जी की गारंटी है, संकल्प यात्रा आई है, इससे सब सहयोग यहां की सब विकास करने। हमारे समूह में 1,10,000 रुपया भेजा, पहले 15,000 भेजा, हम लोगों को बहुत सहयोग किया, उन्हीं के द्वारा हम खड़े हुए हैं। हमें 5,00,000 आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है। अभी तक हमें पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, अब हमें 5,00,000 का मुफ्त इलाज कराने के लिए हमें मोदी जी ने एक कार्ड दे दिए हैं, बना दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अभी तक बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जबकि जनपद फतेहपुर में 650 से अधिक ग्राम पंचायत में संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा आम जन की जिंदगी को आसान बना रही है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल पा रहा है और किसानों में किसान निधि योजना को लेकर अधिक उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के बस्सी में आयोजित शिविर पर पेश है ये रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के बस्ती में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित केंद्र सरकार की 17 योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं पात्र नागरिकों ने योजनाओं के लाभ के लिए पंजीयन करवाया। मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया है और इसमें 2 लाख का बीमा है जो बहुत ही फायदेमंद है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन फ्री में मिला है, मुझे बहुत फायदा हुआ है उससे। सरकार से हमें 450 रुपये में ही सिलेंडर मिल रहा है, उसका बहुत धन्यवाद। अब घर घर के अंदर जो प्रधानमंत्री मिशन जल जीवन योजना के तहत जो पानी घर घर में मिलने लगा है, उसकी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लगी है और बहुत अच्छा कार्य रहा है और महिलाओं को भी इसलिए फायदा हुआ है इसके तहत। किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को इस योजना के तहत अधिक सुविधाएं मिली है। वहीं ड्रोन प्रशिक्षण को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि के 2000 रुपये हमारे 3 खातों में डाला जाता है, जो हमारे कृषि में खाद बीज खरीदने में अच्छी मदद मिलती है और इसमें हमारे को टाइम वाले लाभ मिल जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है, जहां आमजन को एक ही छत के नीचे केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार का ये प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इसी कड़े में राजस्थान के करौली जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न शिविरों का आयोजन हो रहा है। शिविर में सरकार की 57 विभिन्न योजनाओं का पात्र लोग लाभ उठा रहे हैं। योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुझे काफी समय से खांसी की शिकायत थी और वजन भी लगातार कम हो रहा था। इसके बाद मुझे आशा बहन जी श्रीमती चंद्रभागा जी ने बताया कि मुझे अपनी जांच करवानी चाहिए। उनके कहने पर मैंने अपनी जांच करवाई और डॉक्टरों ने मुझे टीवी की शिकायत बताई। इसके बाद मुझे लगातार 6 महीनों की दवाइयां लेने के लिए बोला गया। उसके बाद मैंने लगातार 6 महीनों तक दवाइयाँ ली और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आज मैं एक टीवी चैंपियन हूँ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आंगनवाड़ी से दलिया खिचड़ी प्राप्त होता है और प्रधानमंत्री योजना के तहत मुझे 5000 रुपये मिले, जिनसे मैंने घी और फल का सेवन किया, जिससे मैं और मेरे बच्चा स्वस्थ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी सिलसिले में ये यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही है। और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला के बोरी और गठुला ग्राम पंचायतों में पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के बोरी और गठुआ ग्राम पंचायत पहुंची, जहां शिविर के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। केंद्र सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो हमारी छूटे हुए लोग हैं, है ना, जो हकदार हैं सरकारी योजनाओं के लाभ से, जो छूट जाते हैं, उन्हीं योजनाओं को उस ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक ही पहुंचाना हमारी सरकार की और हमारा ही एक उद्देश्य है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुँचाएँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे ग्राम बोरी में भी यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। पहले पानी की बहुत समस्या थी, बोरिंग से कुआं से पानी लाते थे तो समय वेस्ट हो जाता था। अब नल जल जीवन के तहत हमारे घर में नल लग गया है, उससे हमारे समय की भी बचत हुई और हम बाहर काम में भी जा सकते हैं अच्छे से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सम्मान निधि से लाभ मिला, उसमें हम बीज के और खाद के लिए यूज करते हैं और मजदूर लोग के लिए यूज करते हैं और साल भर में हमको 6,000 मिलता है, पर चार महीने में 2,000 करके मिलता है हमको, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं पहली लकड़ी छेना जला रही थी, उसमें बहुत धुआं निकलता था, धुआं निकलने से मेरे आँख में भी परेशानी हो गई है। इस कारण अब उज्ज्वला गैस मोदी जी ने दिया है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे रही हूँ मोदी जी को। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गांव-गांव पहुंचने पर विभागीय स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लोक हितकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं स्कूली बच्चे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहा है और छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोबाइल वैन पहुंची। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मोबाइल वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को मिल रही है। पीएम मोदी की गारंटी वाला रथ चंद्रखुरी पहुंचा तो बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष अपने हाथों में आवेदन लेकर केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे। लाभार्थियों का कहना है कि योजनाओं का लाभ मिलने से वो बहुत खुश हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कह रहे हैं। तो पेश है लाभार्थियों से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास बातचीत। विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के चंदकुरी यानी कौशल्या माता के मंदिर गांव में पहुंचा है, जहां पर भारी संख्या में लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय वर्मा। कौन सी योजना का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पहले क्या दिक्कत, अब क्या फायदा है? पहले मेरा घर कच्ची था, बहुत दिक्कत होता था बरसात में, जो ये प्रधानमंत्री आवास की योजना से मेरा घर पक्की हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन ढिल्लों। कौन सी योजना का लाभ मिला है? प्रधानमंत्री योजना से। क्या दिक्कत था पहले? पानी टपक टपक चौधरी सब पक्का बन गया, तो बंद हो गया है, बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री योजना से मुझे मकान जो कच्ची था कोई 10 साल से, वो पक्का बन गया और मैं उस छाया पे रहने को चाहता हूँ, अब रहूँगा और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। आपको कौन सी योजना का लाभ मिला? प्रधानमंत्री आवास। क्या कहेंगे बताइए। मेरा घर कच्ची था पहले और पानी वानी भी चूहता था पहले, ये करते थे और जब ये मिली तब हम बनवाए आवास, ये तो मोदी को धन्यवाद देता हूँ मैं। मेरा नाम हेमचंद दीवार है, मैं प्रधानमंत्री योजना मिला है तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को। पहले बहुत दिक्कत था मेरे को, मैं घर पे रहता तो 2-4 साल के पहले ही टूट जाता मेरा मकान, लेकिन मैं इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना मिला ना, बहुत बहुत खुश हूँ, बन चुका है मेरा घर। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत मेरा घर बनवा दिया। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, ये लाभार्थी हैं जिन्हें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जा रहा है, जहाँ पर केंद्र की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। तो अलग अलग जगहों से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब कुछ और जगहों से आपको इस यात्रा से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है, अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप?
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तो उसे पूछेगी बुढ़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है, तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा, और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। भैया जी, शर्माता है, बकलोर है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जालिम लोशन का ओरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम संकल्प विकसित भारत का, और विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जारी है। और खास बात यह है कि घाटी में कड़ाके की सर्दी यात्रा की राह में रुकावट नहीं बन पा रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन दिनों यहाँ यात्रा चिल्लई कला के उत्सव के साथ और भी शानदार हो गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पुलवामा में जश्न चिल्लई कला समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके साथ साथ हमारा जश्न चले क्लान और डिजिटल J&K को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीता साल जो है उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आने वाले साल की एक सेलिब्रेशन हो रही है। और आपने देखा, हम अपने कल्चर जो हमारा विरसा है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे यहाँ पे ऑफिसर्स, हमारे यूथ लोग भी आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेजर थीम इसका यही है, एक तो जश्न चले क्लान, विकसित भारत संकल्प यात्रा और डिजिटल J&K को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें पूर्वी भारत से। यात्रा की खबर बिहार से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शहरी और उपनगरीय इलाकों में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के निचले तबके के लोगों के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए देश में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड की चिलचिल और कुरकुरी पंचायत पहुंची। यहां पर BJP के सांसद रामकृपाल यादव ने लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ही देश के लोगों को विकास की गारंटी दे सकती है। तो रोजगार की भी व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं और उसके पूंजी के लिए भी 1,00,000 रुपया का लोन तुरंत मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट, ताकि आप अपने जीविका उपार्जन शुरू करने का काम करें। और जब 1,00,000 रुपया मिल जाएगा तो फिर 1,00,000 रुपया का और मिलेगा, जब बिजनेस का काम रखिएगा तो बैंक से आधार प्रदान करते रहिएगा। तो ये 13,000 करोड़ की राशि का आवंटन पूरे देश के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये योजना शुरू हो गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा नवादा के बभनौर प्रखंड पहुंची। यहां LED के माध्यम से फिल्म दिखाकर लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं आम लोगों को देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई।
मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड की कन्हौली विष्णु दत्तपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। यहां किसानों को ड्रोन के जरिए सिंचाई करने के तरीके सिखाए गए। लाभार्थियों में केंद्रीय योजनाओं को लेने के लिए काफ़ी भीड़ देखी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रोहतास जिले के नोखा नगर पंचायत पहुंची। यहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना में नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा गया। यहां देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोग काफी खुश हैं। आइए आपको सुनाते हैं लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो सुकन्या जैसा योजना लाकर जो है कि हम सबके पढ़ाई लिखाई और आर्थिक सुविधाओं के लिए अच्छे मतलब के योजनाएं दिए हैं। मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लिया है, जिसका कि वार्षिक किस्त 20 रुपया बैंक से कटता है खाते से, और एक्सीडेंटल दुर्घटना उसमें 2 लाख रुपया इंश्योरेंस कवर करती है सरकार। तो प्रधानमंत्री जी का ये एक अच्छा सा योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको पूर्वोत्तर भारत। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब यात्रा से जुड़ी खबर देखते हैं पूर्वोत्तर भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा मिजोरम की राजधानी आइजोल के विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही है। सिरचिप जिले में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सेलुलक और लेंग गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लुंगलेई जिले के लाबुंग में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता, महिला एवं बाल विकास, गैस कनेक्शन और कृषि सहायता से संबंधित सरकारी पहल और अन्य योजनाओं पर केंद्रित जागरूकता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव और सफलता की कहानी साझा की। और देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक और बड़ी सफलता मिली है। देश में पीएम जय के तहत अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को शेयर करते हुए लिखा, देश हो रहा आयुष्मान, 30 करोड़ से अधिक लोगों को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुफ्त इलाज की गारंटी। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को शेयर करते हुए पोस्ट किया गया, हर जन आयुष्मान, जन जन के लिए आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर आयुष्मान कार्ड धारक देश भर के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। योजना में अपनी पात्रता जानने के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी एबीपीएम जय
23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया था। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के तहत 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के करोड़ों लोग शामिल हैं। ये योजना कैशलेस मोड में हेल्थ कवर देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। एबीपीएम जय की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। गरीब और कमजोर पात्र परिवार इन लाभों के लिए पात्र हैं। पीएम जय लाभार्थी को सेवा स्थल यानी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करती है। पीएम जय का उद्देश्य चिकित्सा उपचार पर होने वाले भारी खर्च को कम करने में मदद करना है, जो हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल देता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्च जैसे निदान और दवाएं शामिल हैं। परिवार के आकार आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले से मौजूद सभी स्थितियां पहले दिन से ही कवर की जाती हैं। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, यानी लाभार्थी कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए भारत में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक अस्पताल या निजी अस्पताल में जा सकते हैं। सेवाओं में लगभग 1,929 प्रक्रियाएं शामिल हैं जो उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करती हैं। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।